Hey guys, assalamualaikum and welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. तो ये जी मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो वलीमा ब्राइड की मेकअप लुक जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ. उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगेगी. चलें जी वीडियो को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले मैंने एस्टी लंडन का फाउंडेशन लिया और उसको अप्लाई किया. इसको सेट करने के लिए अब मैंने एस्टी लंडन का ही लूज पाउडर यूज़ किया था. अब मैं अपनी आईब्रोज को फिलअप कर रही हूँ. इसके लिए मैंने क्रायलोन का ब्राउन शेड लिया केक लाइनर और इससे मैं अपनी आईब्रोज को कर लूँगी फिल. आईब्रोज को फिल करने का तरीका आपको मेरा पता है. नीचे से स्ट्रेट लाइन लेती हूँ, ऊपर से थोड़ा सा पार्ट छोड़कर अगेन उसको फिल करती हूँ. फिर जो हमारा ब्रश में प्रोडक्ट रह जाता है थोड़ा सा, उसके साथ हम अपने स्टार्ट वाला जो हमारा रह जाता है एरिया उसको फिल कर लेते हैं. तो वो बहुत ही नेचुरल सा लगता है, अननेचुरल नहीं लगता. एंड दैट्स इट. इसको अब मैं स्पूली के साथ कर लूँगी क्लीन ताकि हमारा जो सारा प्रोडक्ट है वो इवनली स्प्रेड हो जाए. फर्स्ट शेड मैंने ये लिया है अपने पीच कलर में. इसके साथ ये जो है पीच कलर मैं अपने पूरे लिड एरिया पर, पूरे क्रीज एरिया पर अप्लाई कर दूँगी एज अ ट्रांजिशन शेड और इसे अच्छे से कर लूँगी मैं ब्लेंड. अब जी ये मैंने थोड़ा पिंक सा शेड लिया और इसको भी मैं अपने सिर्फ और सिर्फ आउटर वी की तरफ अप्लाई करूंगी. इसको मैंने क्रीज की तरफ नहीं लेके जाना. नेक्स्ट जी ये मैंने ब्राउन शेड लिया और इसको भी मैं अपने आउटर वी की तरफ पहले डैब डैब करके अप्लाई कर दूंगी. देन हम इसको करेंगे ब्लेंड. कोई भी बड़ा सा फ्लफी सा ब्रश ले लें और उसको अपने सारे जो एजेस हैं, सारी जो हार्श लाइंस हैं उसको कर दें. मैं थोड़ा उंगली के साथ भी कर लेती हूँ, उसके साथ ब्लेंडिंग बहुत अच्छी आती है. नेक्स्ट हम ये लेंगे ये ब्लैक शेड मैट में. इसको मैंने सिर्फ थोड़ा सा अप्लाई करना है इस तरह से, सिर्फ अपने आउटर वी के हाफ वाली ऐसे, बस इतना. और इसको इधर ही मैं कर दूँगी ब्लेंड. मुझे ज़्यादा जो अपना कॉर्नर है, आउटर वी जो है वो मुझे ज़्यादा ब्लैक नहीं चाहिए था. ये मैं सॉफ्ट वलीमा लुक करना चाह रही थी तो मैंने बिल्कुल उसी तरह से की है. तो आप लोग देखिएगा बहुत अच्छी बनेगी ये बस इधर ही मैंने ब्लेंड कर देना. कोई भी फ्लफी सा ब्रश ले लो. अब जी मैंने यहाँ पर सिल्वर शेड लिया मेटेलिक में. आप लोग कोई सा भी ले सकते हैं. मैंने ग्लैमरस फेस की आई शेडो पैलेट से लिया था. इसको मैं अब अच्छे से लगा लूँगी अपने लिड एरिया पर और इसको भी हम करेंगे देन ब्लेंड. वेट ब्रश ले लें आप और उसके साथ अप्लाई करें. मेटेलिक शेड्स जो हैं वो उसके साथ बहुत ज़्यादा उनकी जो है अच्छी आती है पिगमेंट. अब मैं जी यहाँ पर अपना टियर डॉट एरिया हाईलाइट करूँगी और ब्रा बोन एरिया हाईलाइट करूँगी सिल्वर शेड के साथ. अब जी हमारी बारी आ जाती है लाइनर की. यहाँ पर पहले मैं केक लाइनर यूज़ करी थी, देन मैंने डर्माकोल का डिप लाइनर यूज़ किया. आप लोगों के पास जो अवेलेबल हो, जेल लाइनर अवेलेबल है या आप लोगों के पास केक लाइनर अवेलेबल है या डिप लाइनर अवेलेबल है, जो इजीली है आपके पास आप लोग वो अप्लाई कर लें. और ये देखें कि तरीका कि मैंने किस तरह से अप्लाई किया है. अब मैंने यहाँ पर डर्माकोल का लिया था डिप लाइनर और मैंने स्टार्ट से अपने लाइनर को बहुत ही बारीक रखा था. आप लोग चाहें तो मोटा भी कर लें पर मुझे इस लुक के लिए बारीकी चाहिए था तो मैंने बारीकी रखा और बहुत ही अच्छा सा मैंने विंग क्रिएट किया. क्योंकि जो मेरी बारात लुक मैंने की थी, बारात ब्राइडल लुक, उसमें मैंने जो है अपना आउटर उसका लाइनर जो है वो मैंने ब्लेंड कर दिया था. तो इस पर मुझे बहुत ही अच्छा सा विंग चाहिए. अब आप लोग विंग देखें कि मैं किस तरह से बना रही हूँ और ये भी देखिएगा कि मैंने अपना स्टार्ट से कितना बारीक रखा है लाइनर. विंग बनाना कोई इतना मुश्किल नहीं है जैसे मैं बना रही हूँ, बस आप वैसे ही बनाएं. बस आप ज़रा आराम से बनाया करें. मैं भी बहुत स्लोली काम करती हूँ लाइनर के मामले में. ये बस मैं वीडियो को फास्ट कर देती हूँ. और यहाँ पर मैं अपना इनर कॉर्नर अब सेट कर रही हूँ.
ये देखेंगे बस हल्का सा मैं करूँगी, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि वलीमा ब्राइड को हम जितना सॉफ्ट लुक देंगे वो उतनी ही प्यारी लगती है। सॉफ्ट आइज़ हो, पीची पीची उसकी लिपस्टिक हो और ग्लोई ग्लोई इसका फेस हो, हाइलाइटर अच्छा लगा हुआ हो, सॉफ्ट सा ही उसका कर्ल्स हो, कर्ल्स का हेयर डू हो, तो वो फिर बहुत प्यारी लग रही होती है। और वलीमा ड्रेसेज जो हैं वो अमूमन सिल्वर वाइट यही काम होता है, तो इसीलिए मैंने आपको सिल्वर पर आई सिखाई हैं वलीमा ब्राइड की। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगेगी। अगेन जो मैंने ब्लैक कलर लगाया था, अब मैं उसको हल्का सा, प्रोडक्ट अलग से नहीं लिया, हल्का सा मैंने वही ब्रश उठाकर उसको थोड़ा सा डार्क किया है, देन उसको अगेन ब्लेंड किया है। अब हम अपनी लोअर लैश लाइन पर काम करेंगे। फर्स्ट शेड जो मैंने लगाया था पीच में, वही पहले मैं अप्लाई करूँगी अच्छे से अपनी लोअर लैश लाइन पर। देन मैं जो हमने ब्राउन शेड लगाया वो अप्लाई करूँगी ऐसे, ये देखें, ताकि मेरी जो लोअर लैश लाइन है वो भी बहुत अच्छी तरह से उठ कर आए, तो आँख मेरी जो है वो ज़रा प्यारी लगे और बड़ी बड़ी भी लगे। अब यहाँ पर मैं लगा रही हूँ ब्लैक कलर। ये एक ब्लैक कलर लगाते हुए आपने बहुत ही स्लोली स्लोली काम करना है, क्योंकि ब्लैक कलर अगर फैल जाए तो फिर वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर उसका वो मज़ा नहीं आता। ये देखें, जब मैं लगा रही हूँ तो वो जो मेरी एक लोअर लैश लाइन की लाइन है वो भी बहुत अच्छे से डिफाइन हो रही है, पर ब्लेंडेड भी लग रहा है, बिल्कुल एक ऐसा नहीं लग रहा कि मैंने एक शार्प सी लाइन खींची हुई है, ब्लेंडेड भी लग रहा है पर वो अपनी जगह पर भी है। ये आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। यहाँ पर मैं जो है ये एंगल ब्रश यूज़ करती हूँ हमेशा अपने लोअर लैश लाइन बनाने के लिए। वाइट काजल अप्लाई किया यहाँ पर मैंने अच्छे से, देन अब हम करेंगे मस्कारा लोअर लैश लाइन एंड अपर लैश लाइन पर, अच्छे से कोट कर देंगे मस्कारा। अब यहाँ पर मैं जी लगा रही हूँ ग्लिटर। ग्लिटर मैंने सिल्वर और वाइट शेड दो मिक्स किए थे और क्रायलॉन का मैंने सीलर इस्तेमाल किया, और ये मैं ग्लिटर लगा लूँगी, और मैंने बहुत भर भर के ग्लिटर नहीं लगाए, बस सॉफ्ट से ही लगाए हैं। हमारी बारी आ गई लैशेस की। यहाँ पर मैंने 3D लैशेस अप्लाई किए हैं, लोकली बहुत सारी अब तो अवेलेबल हैं हर जगह, आप लोग ले सकते हैं कोई सी भी। और जो मैंने ग्लिटर अपने लिड पे लगाया था वही मैंने हल्का सा लगाया है अपने नीचे इनर कॉर्नर की तरफ, इससे वलीमा ब्राइड्स की लुक ज़रा मुझे अच्छी लगती है। ये आप लोगों की चॉइस है, करना चाहें तो कर लें, नहीं तो आप लोग स्किप भी कर सकते हैं, मुझे अच्छा लगता तो मैंने कर लिया। ये देखें, अब मैं अपनी जो लैशेज़ हैं उनको स्टक कर लूँगी बहुत अच्छे से। ग्लू मैंने यूज़ की है एस्टिलांडन की। सो या दिस इज़ द फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हो तो मेक श्योर मेरे चैनल को करें सब्सक्राइब, वीडियोज़ को करें लाइक, कमेंट और शेयर। मिलती हूँ जी अपनी नेक्स्ट वीडियो में एक और नई लुक के साथ। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।